हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिनेस पिक्स चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिग बॉस 15 की वोटिंग ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तो 11th वीक चालू हो चुका है और ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड जो है वो भी आ चुकी है। किसको कितने सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, कौन सबसे आगे आ चुका है, कौन टॉप नंबर से नीचे आ चुका है, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज 17th December, तो आज की जो ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले काफ़ी ये शॉकिंग है, शॉकिंग तो नहीं कह सकते पर लेकिन ये जो चीज़ है किसी को लाइक उम्मीद नहीं होगी कि उमर रियाज़, जी हाँ दोस्तों, उमर रियाज़ जो है वो टॉप नंबर 1 पर है इस बार की आज की वोटिंग ट्रेंड में। तो उनको मिले है 32.97% की वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले में करण कुंद्रा और तेजस्वी जो थे वो टॉप 2 में थे, लेकिन अब उन दोनों को मात देकर उमर रियाज़ जो है वो टॉप पर आ चुके हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है प्रतीक सहजपाल। जी हाँ दोस्तों, वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग, नहीं बस लोगों जो फैंस थे वो काफ़ी पसंद करते थे प्रतीक को, लेकिन अभी वो 2 नंबर पर आ चुके हैं। उनको मिली है 23.05% की वोटिंग। और अभी जो तेजस्वी जो है, जो लोगों को काफ़ी एंटरटेन करती है, फैंस को काफ़ी पसंद है, वो टॉप से 3rd नंबर पर आ चुकी है। उनको मिली है 18.36% की वोटिंग। साथ ही में करण कुंद्रा ऑफ कोर्स, उनको भी मिली है 14.87% की वोटिंग, जो है चौथे नंबर पर है। और साथ ही में शमिता शेट्टी तो हमेशा रहती है वोटिंग ट्रेंड्स के अंदर, तो शमिता शेट्टी को मिली है जो है 5वें नंबर पर, उनको मिली है 4.31% की वोटिंग। और निशांत भट्ट की अगर बात करें वो है 6ठे नंबर पर, उनको मिली है 2.44% की वोटिंग। और साथ ही में अभी जुड़ चुकी है 7वें नंबर पर रश्मि देसाई। जी हाँ दोस्तों, रश्मि देसाई टॉप 7 पर अपनी जगह बना ली है, उनको मिली है 2.221% की वोटिंग। तो ये थी टॉप 7 की वोटिंग ट्रेंड। आखिर आपको कितना शॉकिंग लगा टॉप 7 में ये सारे कंटेस्टेंट को देखकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।